आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए अब खुशियों भरे दिन आ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जो विधायक है वो कहीं ना कहीं वापस आ सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। और ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से बैक टू बैक शिंदे गुट को लताड़ लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जो बागी विधायक है उन्हें डर लगा हुआ है कि हमसे हमारी विधायकी छिन सकती है, हम अयोग्य ठहराए जा सकते हैं, उसके बाद क्या ही करेंगे। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि अगर अभी भी किसी को वापसी करनी है तो वो कर सकता है। हमने आपके साथ एक खास रिपोर्ट साझा की थी जिसमें ये कहा गया था कि शिंदे गुट को इस्तीफा सौंप शिंदे गुट के जितने भी विधायक है वो इस्तीफा सौंप सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने सच में कहा उसमें कि यहाँ पर ये सब करना चाहिए, अगर नहीं भी सोचा जा रहा तो जल्द ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ही बेस्ट है और उद्धव ठाकरे का ही महाराष्ट्र है। देखा जाए ठाकरे परिवार से ही महाराष्ट्र चलता था, ये सबने देखा था सालों साल। 1966 में स्थापना हुई थी पार्टी की, बाला साहेब ठाकरे बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और यहाँ पर कभी भी वो अपनी पूरी एक पार्टी नहीं बनाना चाहते थे, वो समाजवाद के तौर पे, समाजवादी के तौर पे वो जनता के लिए काम करना चाहते थे। जब उनका निधन हुआ तब देखा गया था उन तस्वीरों में कि सैकड़ों की तादाद में लोग लगातार मौजूद नजर आ रहे थे और आज भी लोग उनके आदर्शों पर चलते हैं, लोग आज भी उनकी बातों को याद करते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने 2019 में जो गलती की, अब कह लीजिए कि वो पढ़ंत यानी कि पढ़ती हुई गलती थी, या फिर ये मान लीजिए कि यहाँ पर उन्हें सिखाया गया था, क्योंकि यहाँ पर शरद पवार को लेकर भी हमने आपके साथ खास रिपोर्ट साझा की थी जिसमें कुछ बड़े खुलासे हुए थे कि यहाँ पर शरद पवार ने जाके उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उसके बाद उनसे कहा कि आपको अगर मुख्यमंत्री बनना है तो हम आपका साथ देंगे और आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तब यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया था कि बीजेपी के साथ ना जाके शरद पवार के साथ वो जाएंगे और ये गलती उन्हें कहीं ना कहीं इस वक्त यहाँ पर भारी पड़ती नजर आई। इसका फायदा शिंदे ने उठाया और कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ पर शरद पवार ने ही शिंदे की मदद की। चलिए इस बात का खुलासा तो होता रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर वो विधायक उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते या उद्धव ठाकरे के पास वापस आते, उस गुट में मिलते हैं, तो क्या माना जाए कि उन पर दोबारा से विश्वास उद्धव कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि एक बार जो बागी हो जाता है क्या वो दोबारा विश्वास करने लायक है या नहीं, ये बड़े सवाल लगातार बनते नजर आते हैं। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या बागी विधायकों को अपने ऊपर से टैग हटाने के लिए बागी वाला उद्धव के साथ जाके मिल जाना चाहिए और शिंदे को अकेला छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं। और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट।